मेरे YouTube चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और उसका जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, दोनों ही मैं आपको बहुत अच्छी तरह सिखा दूंगा। आपको जर्नल एंट्री रट्टा नहीं मारना होगा, रट के नहीं, एडवांस तरीके से मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बता दूंगा, उसका जर्नल भी बता दूंगा एकदम एडवांस तरीके से। तो आइए इसके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर एसके सिंह के बुक से। ध्यान दिया जाए क्वेश्चन नंबर 15, कम टू द पॉइंट, कैसे क्वेश्चन डील किया जाए। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले इसके बारे में जानना जरूरी होगा। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा मूल्यांकन। जब कोई पार्टनर फर्म में आता है मतलब एडमिशन लेता है, या जब कोई पार्टनर जाता है मतलब रिटायरमेंट होता है, या किसी पार्टनर का डेथ होता है, उस टाइम एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होना चाहिए। मान लिया जाए कि कोई पार्टनर आ रहा है फर्म में, तो उससे पहले पुराने पार्टनर यह देख लेंगे कि हमारे पास कितनी एसेट्स और लायबिलिटी है, हम लोग घाटे में हैं कि प्रॉफिट में है। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे, अगर लाभ हुआ होगा तो आपस में बांट लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट पुराने पार्टनर के लिए बनाते हैं और पुराने रेशियो पर लाभ या हानि को बांटते हैं। तो देखिए इसका प्रोफॉर्मा मैंने अनुमानित बनाया है। जब संपत्ति का मूल्य घटेगा तो 2 में, संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो 2 में, लायबिलिटी घटेगा तो 2 में, लायबिलिटी बढ़ेगा तो 2 में, घटेगा तो 2 में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2 में और अनरिकॉर्डेड एसेट्स 2 में। इस तरीके से यदि आप 6 रूल को फॉलो करते हो तो संभवतः आपको कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बड़े आसानी से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ये जो रूल मैंने लिखवाया, ये मैंने आपको पहले दे दिया है 6 रूल, मैंने आपको 6 रूल पहले लिखवा दिया है। यदि आप उस 6 रूल को फॉलो करते हैं तो भी ठीक है, ये रूल तो और भी अच्छा है। इस तरीके से आपको रूल फॉलो करना होगा। 15 नंबर, सी और डी पार्टनर हैं इक्वली मतलब बराबर बराबर, ओल्ड रेशियो बराबर दिया है। याद रहे कि रिवैल्यूएशन में ओल्ड रेशियो ही लिया जाता है, तो इक्वली ही बांटना होगा या प्रॉफिट हो या लॉस। फ्यूचर में ये लोग का रेशियो हो जाएगा 3:2, इससे कोई मतलब नहीं। और आगे बिल्डिंग का भाव बढ़ा, बिल्डिंग का भाव बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, संपत्ति बढ़े तो 2, रूल आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो 2 में बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग कितना लिखना होगा सर, 40,000। इसके बाद अगला आइटम क्या लिख रहा है, फर्नीचर डिक्रीज हुआ, संपत्ति घटे तो 2, तो 2 फर्नीचर कितना, 4,000। उसके बाद लिख रहा है क्रेडिटर का भाव भी गिरा 2,000, जब लायबिलिटी घटता है तो 2 में, 2 क्रेडिटर कितना रुपया, 2 क्रेडिटर 2,000। और आगे क्या बात किया जाए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2 में जाएगा, सारे रूल के अनुसार काम होगा, 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6,000, बस क्लियर। इसके बाद और एक एडजस्टमेंट है, जनरल रिजर्व और पीएनएल। जो हमारे स्टूडेंट रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि जनरल रिजर्व और पीएनएल का अलग से जर्नल दिया जाता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व। तो हम लोग लास्ट एडजस्टमेंट को रिवैल्यूएशन में नहीं ले जाएंगे। अब क्या करना होगा सर, अब जोड़ा जाए कौन बड़ा, बड़ा कौन सा है, तो ये 42,000 बड़ा है, 42,000 रुपया बड़ा है। 42,000 में से 10,000 गया तो 2 में प्रॉफिट कितना आएगा, तो 2 में प्रॉफिट आ जाएगा 32,000, 32,000। इसको बांट दिया जाए सी और डी में, कैसे, बराबर बराबर, ओल्ड रेशियो पर। बढ़िया, अच्छी तरह मैंने बता दिया, पहले रिस्पेक्टेड साइड में डाल देना है, रूल को तो फॉलो करना एकदम जरूरी है। 2 में कमी है तो प्रॉफिट, 2 में कमी है तो लॉस। अब हम लोग का जर्नल बाकी रह गया। जर्नल दो तरीके से हो सकता है, एक रट्टा मार के
बुक से एग्जाम्पल खोलिएगा तो देखिएगा कि बहुत सारे जर्नल दिए हैं, वो आपको याद करने होंगे। उतना टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको स्मार्ट तरीके से बता रहा हूँ। स्मार्ट तरीके से बनाइएगा तो आपको जीवन भर याद रहेगा, रट्टा नहीं मारना है। ध्यान दीजिए, टू साइड में दो आइटम है, फर्नीचर और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। फर्नीचर और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी दो आइटम है ना। टू में, टू मतलब क्रेडिट, तो जर्नल देना आसान है। यहाँ पे जर्नल एंट्री प्रोफॉर्मा बना लीजिएगा, तो इसका क्या जर्नल देंगे सर? इसका जर्नल देना होगा, मैं इधर से दे रहा हूँ ताकि आराम से सारा चीज हो जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और टू में हो जाएगा फर्नीचर। रकम कैसे भरिएगा? रकम है सर जी ये 6,000 और 4,000 मिलके हो जाएगा 10,000। बढ़िया। इसके बाद बाई वाला देखा जाए, बाई मतलब डेबिट, उसका जर्नल कैसे दीजिएगा जरा देखिए। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बढ़िया। उसके बाद सर जी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बढ़िया। और टू में लिख दीजिए क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद इसमें रकम कैसे भरेंगे सर? बिल्डिंग में भर दीजिए 40,000, 2,000 भर दीजिए इसमें, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 42,000, बढ़िया। और उसको उसके बाद बाई में क्या लिखना होगा? बाई में लिखना होगा, नहीं बाई तो हो गया, तो ये टू वाला जर्नल हो गया, ये बाई वाला जर्नल हो गया। बिंग में क्या लिखेगा? बिंग द एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। आगे अभी कम और करना होगा हम लोग को। प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कहाँ हुआ है? टू में, तो कैसे जर्नल दीजिएगा? तो एक जर्नल और लास्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आप स्टूडेंट हो, फुल फॉर्म लिखना होगा आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। उसके बाद प्रॉफिट में टू सी कैपिटल और टू डी कैपिटल अकाउंट, बढ़िया। और रकम भर दीजिए, कितना कितना प्रॉफिट हुआ है? 32,000 रुपया पूरा प्रॉफिट हुआ है। इसको बांट दिया 16,000, यानी ओल्ड रेशियो पर, सबको दिख रहा है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर? उसके बाद इसका जर्नल क्या होगा? इसके जर्नल लिख देंगे बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बढ़िया। तो इस तरीके से मैंने क्या क्या किया, पहले तो रिवैल्यूएशन पे अच्छी तरह इसको रखा गया, कि टू और बाई में पहले आइटम डाल लीजिए। पहला काम तो ये कर लीजिए कि टू और बाई में आइटम डाल लीजिए। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद टू में कमी आए तो प्रॉफिट, बाई में कमी आए तो लॉस। टू वाला जर्नल दे दिया, बाई वाला जर्नल दे दिया, ओके। एक जर्नल मैंने और दिया है रिवैल्यूएशन वाला, तो आप कैसे बनाओगे? पहले रिवैल्यूएशन बना लेना, एक जर्नल की अच्छी प्रोफॉर्मा बना लेना, एक ही प्रोफॉर्मा में तीनों जर्नल दे देना होगा बारी बारी से, जैसे 11th में हम लोग बनाते थे, तो वैसा ही जर्नल दे देना होगा। अब इस कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बड़े आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट एकदम अच्छी तरह मैंने क्लियर कर दिया। यदि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छा लगा हो या मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।